हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। और मैं हूं आपका फेवरेट यूट्यूबर प्लस बीजेएमआई कास्टर जॉन रैम्बो वाईटी। इस बार मैं बनाने जा रहा हूं व्लॉग, क्योंकि गाइस यूट्यूब के पैसे से मैंने खरीद लिया है स्कूटी, वो भी इनटॉक। अब जिसने जिसने मुझे हेल्प किया वो खरीदने में, उसका नाम तो मैं ज़रूर लूँगा और साथ ही साथ आपको दिखाने वाला हूँ कि गाड़ी कैसा है। शुरू करने से पहले मैं बोलना चाहूँगा टॉकबी भाई, फिर सोल गैलियो गेमिंग, जिनोंग फैंगचो, और मेरा एक खास फ्रेंड भी है जो लड़की है, उसने 20K का सुपर चैट किया, आई बी गेमिंग अनिल भैया है, ऐसे बहुत सारा फ्रेंड्स है जो मुझे यूट्यूब पे बहुत सपोर्ट करता है, सबको मेरी तरफ से बहुत सारा थैंक्स गाइस। आप लोग ना होते तो ना मैं ये गाड़ी खरीद पाता। पहला बात यह है कि डाउन पेमेंट जो है वो यूट्यूब के पैसे से ही हुआ। सेकेंड है, मम्मी ने थोड़ा हेल्प किया, मैं जो काम करता हूँ वहाँ से जुगाड़ हुआ और थोड़ा सा लोन लिया। अब देखते हैं गाइस कि गाड़ी कैसा है। एंटॉर्क जो यूट्यूब के पैसे से खरीदा। अब सीन यह है गाइस कि इस गाड़ी का माइलेज जो है वो अराउंड 40 किलोमीटर्स है, पर पहला जब गाड़ी आप लोगे बिना सर्विस के, तो सर्विस से पहले थोड़ा ज़्यादा तेल ये खाता है भाई, बहुत खाता है, ठीक है। गाइस बाकी इसका परफॉर्मेंस की बात करें तो भाई बहुत तगड़ा है, बहुत पावरफुल है। इसका लुक्स जो है बहुत ही मैटर करता है सभी लोगों को, तो इसका लुक बहुत ही अच्छा है। तो गाड़ी के साथ साथ गाइस आप लोग इसका नज़ारा भी देख लो इस साइड पे। यहाँ पे हम लोग आते हैं रील्स बनाने, ओके। तो अभी गाड़ी लेके आएंगे यहाँ पे, मज़ा ही होगा। पहले साइकिल से आता था, तो यही जगह है जहाँ पे हम लोग व्लॉग बनाते हैं। ये मेरा पंटर है, ठीक है। और इस गाड़ी को हम लोग नहलाते हैं, जहाँ पे नहलाएंगे वहाँ पे भी जाएंगे, वो जगह भी देख लेना, बहुत ही ब्यूटीफुल है भाई। लोग निकलते हैं यहाँ से और जाएंगे उस जगह पे जहाँ पे ये गाड़ी को हम लोग नहलाते हैं वीक में एक दिन, और वहाँ पे स्विमिंग करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए वेट करो। अच्छा, इनटॉर्क व्लॉग के साथ भाई लोग ये जगह भी देख लो, बहुत ही ब्यूटीफुल है। ये जगह आप लोग पहले भी देखे हो, तो यही जगह पे हम लोग आते हैं नहाने और गाड़ी भी यहाँ पे हम लोग धोते हैं, ओके। तो यहाँ पे आप लोग इनटॉर्क का एक फीचर देख सकते हो गाइस, जो मुझे बहुत अच्छा लगा वो यही है कि सिंपल अगर ये हैंडल घुमा रहेगा तो ये ना लॉक नहीं होगा। आप जितना भी देखो ये लॉक नहीं होगा। इसको लॉक करने के लिए क्या करना पड़ता है, हैंडल को भी घुमाना पड़ता है, साथ ही साथ चाबी को घुमाना पड़ता है। ये इसको ऐसे दबाना पड़ेगा, फिर एक साथ घुमाना पड़ेगा। अभी हो गया हैंडल लॉक। सेकेंड फीचर और एक गजब है गाइस कि आप लोग जो ये स्टैंड देख रहे हो ना, ये स्टैंड अगर ऐसा लगा रहेगा तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा, जो मैं आपको यहाँ पे अभी दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो स्टैंड है, ठीक है, और यहाँ पे गाड़ी ऑन भी है। तो इसको अगर स्टार्ट करूँगा तो स्टार्ट नहीं हो रहा है ना, हो रहा है। अभी आपको दिखाता हूँ, अगर स्टैंड उठेगा तो गाड़ी स्टार्ट होगा। पे जो स्टैंड है इसको उठाया, उठाने के बाद अगर मैं यहाँ पे, तो ऑन ही था ऑलरेडी, तो इसको अगर स्टार्ट करूँगा ना तो देख सकते हो गाड़ी स्टार्ट होगा। तो गाइस होप कि आप लोगों को एंटॉर्क के साथ आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करना, कोई भी आपको सवाल है तो सवाल करना, उस सवाल का जवाब मैं ज़रूर दूंगा गाइस। अभी के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।